हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या किसी से छुपी तो नहीं है। सुबह ऑफिस की भागदौड़ या फिर शाम को घर आना, शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मिलना अनिवार्य है। ट्रैफिक के कारण कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ लोगों के नियम तोड़ने के कारण सड़क हादसे होते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने फरमान जारी किया है कि अगर मुंबई की सड़कों पर कोई भी वाहन चालक बिना हेलमेट की गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी। मुंबई में लोग को ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाने और नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने यह ऐलान किया है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ FIR के साथ साथ गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग करने के तहत कार्रवाई की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा 6 मार्च से 26 मार्च के बीच बिना हेलमेट के सवारी करने पर 50,000 से भी ज्यादा रुपयों का चालान कटा था। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में पिछले साल दिसंबर में वाहन चलान के दौरान मोबाइल पर बातचीत करने के आरोप में 200 रुपये के बजाय अब पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये तक का चालान काटने के नियम लागू किए गए थे। इसके साथ ही गैरकानूनी तरीके बिना लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी वाहन चलाने के आरोप में मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की बात की गई थी। हमारे इसके समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक ले सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।